पहले तो आप अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम गुरनाम सिंह चढ़ुन्नी है और भारतीय किसान यूनियन चढ़ुन्नी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज आप यहाँ लौनी पहुँचे हैं, क्या कारण है इसका? देखिए, यहाँ पे मंडोला में लोगों की समस्या है। इनके 2600 एकड़ के करीब जमीन एक्वायर की गई थी, जिसका मुआवजा बहुत कम दिया गया, 1100 रुपये मुआवजा दिया गया। और इनके बगल में ही जमीन एक्वायर की गई, उसका कितना, 5700 रुपये प्रति गज मुआवजा दिया गया, कहाँ 1100 और कहाँ 5700। और ये लोग बहुत दिनों से यहाँ पे बैठे हुए हैं, बहुत दिनों से धरना दे रहे हैं, इनकी किसी प्रशासन ने नहीं सुनी। पीछे जो वार्ता हुई भी है, उनका भी इनको ये रिजल्ट नहीं बताया गया कि क्या है क्या नहीं है। इनको टकाया गया है अभी तक। और आज इन भाइयों ने अनुरोध किया था कि हम यहाँ की तालाबंदी करेंगे, और हमें इन्होंने बुलाया था, तो उस मामले में इनके पास पहुँचे थे और यहाँ पे गेट के आगे धरना दिया हुआ था इन भाइयों का। तो अभी जो बात हुई है, वो यहाँ पे ADM साहब आए थे और अधिकारी साहब की क्या बातें हुई हैं अभी, अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया है? अधिकारी जो यहाँ पे आए थे, उन्होंने कहा कि परसों की उन्होंने मीटिंग बुला ली है DM से और जो भी इनके अथोराइज अधिकारी हैं उनसे, और 5 आदमी यहाँ के धरने से वो ले लिए गए हैं। दोनों की मीटिंग परसों को होगी, उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा अगला कार्यक्रम उसके बाद तय। मीटिंग में आपका भी नाम है, क्या आप मीटिंग में आएंगे? देखिए, मेरा कन्फर्म नहीं है, क्योंकि मेरे को बहुत से काम है, मेरा कन्फर्म नहीं है मैं आ पाऊँ। और लेकिन बाकी लोग हैं, ये मीटिंग करेंगे और फिर जो भी बात होगी वो आके सब लोगों के बीच में रखेंगे। ठीक है जी, और धरने पे आके और हमें आश्वासन दे। आज तक जो हमारे पत्राचार हुए हैं उनकी मेंस नहीं है, तो उनकी मेंस जो हमारी बाद में प्रमुख सचिव से भी हुई, और उन्हें बोर्ड पे समझाया था हमने, अभी मना कर रहे हैं, रुक जाओ बाद में बताऊंगा, बाद में कर लेना। मिस्टर सिंह जी उन्होंने उनसे भी हमारे कहाँ तक पहुँचा, हमारा काम होना मुख्यमंत्री से ही है। हमारी सर, किसानों का धरना था, आप मौके पर पहुंचे हैं, क्या बातें किसानों से हुई है सर यहाँ? नहीं देखिए, उन लोगों का जैसा कि उन लोगों ने आह्वान किया था कि मैं आवास विकास में अपने इश्यूज को लेके हम ताला मारेंगे, ये करेंगे, तो ये आपके संज्ञान में पहले से ही था। बट हम लोगों की उनसे वार्ता हुई, ये हुआ कि भाई हम लोग कंटिन्यू एक दूसरे के संवाद में थे और चीज़ों की प्रोग्रेस हुई थी, तो उस प्रोग्रेस को हम कंटिन्यू रखना चाह रहे हैं। DM साहब अभी ज़िले में नए आए हुए हैं, तो जिलाधिकारी महोदय द्वारा स्वयं भी ये कहा गया था कि कल उन्होंने मोदी नगर के समस्त किसानों के साथ बैठक की थी और पूरे इशूज को समझा था और उस हिसाब से उसका समाधान दे रहे हैं। तो उसी तरह से उन्होंने कहा कि भाई हम मंडोला के किसानों का जो भी इशू है, विशेषकर तो आवास विकास से ही है, तीन के अधिकारियों के साथ DM साहब परसों के लिए समय दिए हैं और 10 बजे वार्ता करके इसके एक अच्छे समाधान की तरफ हम लोग पहुँचे। सर, मंडोला के किसान पिछले करीब 4 साल से धरने पर बैठे हैं, बार बार वो ये हरकत करते हैं और बार बार प्रशासन द्वारा उनको आश्वासन दिया जाता है, ऐसा क्या कारण है जो उनकी सुनवाई अब तक नहीं हो रही है? नहीं देखिए, जो मुआवजे की चीज़ें हैं, जो गवर्नमेंट का पक्ष है और जो अभी तक का कोर्ट का पक्ष है, जैसा कि संबंधित ऑफिसरों ने बताया हुआ है आवास विकास के, और जो हम लोगों के संज्ञान में है, वो अभी इनके पास कोई कोर्ट का लीगल इशू नहीं है। सरकार की तरफ से जो चीज़ें हैं वो एकदम क्लियर हैं, बट अगर इनकी उसके अतिरिक्त डिमांड है तो जिलाधिकारी महोदय द्वारा सरकार को दोबारा रिटर्न के रूप में दिया जाएगा। नेड़े टॉप लेवल पे होना है, नेड़े जिला प्रशासन से नहीं होना है, यह तो सरकार चीज़ें तय करेगी, यह तो मतलब जो है माननीय कोर्ट करेगा। तो इशू ये है, ये उनके भी संज्ञान में, हमारे भी संज्ञान में है, प्रोसेस क्या अडॉप्ट करना है, इसके लिए हम लोग परसों एक साथ बैठेंगे 10 बजे।